वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर एक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब टेस्ट क्रिकेट पे टॉप 10 में आ गए हैं। हालांकि खबर थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनकी चुनौती जो है टेस्ट क्रिकेट में अब कुछ दिग्गजों तक सीमित है, और अब उन दिग्गजों को इनको पछाड़ना होगा, और उनमें बहुत कुवत है कि वो आपको बहुत जल्दी ये देखने को मिले कि भारत का कोई खिलाड़ी वनडे और टेस्ट में दुनिया का नंबर वन गेंदबाज बन गया है। जी हाँ, उनके उनमें काफ़ी संभावनाएं हैं, और सबसे बड़ी जो उनके रास्ते की चुनौती है वो पैट कमिंस हैं, जो कि इन दिनों 3 टेस्ट मैचों में कहर बरपा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज़ में अच्छे खासे विकेट चटकाए, पहले टेस्ट में अपनी टीम को जीत दिलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही ऑस्ट्रेलिया की ओर से, और मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज के तौर पर वो उभर कर सामने आए हैं। और बुमराह के लिए मैं कहूँगा कि अच्छी खबर ये है कि जो नंबर 2 गेंदबाज हैं टेस्ट क्रिकेट के, कागिसो रबाडा दक्षिण अफ्रीका के, वो इस समय अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, और या ये कहिए कि फॉर्म क्या, वो इंजर्ड हैं और काफ़ी समय से बाहर हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, और वर्ल्ड कप से भी वो बाहर रहे। और उसके अलावा आप नंबर 3 गेंदबाज जो हैं वो जेम्स एंडरसन हैं, आपको याद होगा पहला टेस्ट ज़रूर खेले थे एशेज सीरीज़ का, उसके बाद उनको टीम से बाहर होना पड़ा, इंजरी की वजह से वो फिट नहीं है, और उनकी जगह पर जोफ्रा आर्चर अपनी टीम में जगह पक्की कर चुके हैं। तो जेम्स एंडरसन का भी और रबाडा को लेकर उन्हें कोई खतरा अभी फिलहाल मंडराता नज़र नहीं आ रहा। तो अब यदि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो ये अंतर और कम हो सकता है। और नंबर 4 पर वर्नन फिलेंडर हैं, जो कि रफ्तार के सौदागर हैं, बहुत तेज़ उनके पास गति है, लेकिन उतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनके पास नहीं है, और जसप्रीत बुमराह को मुझे नहीं लगता कि उनको कोई पीछे छोड़ने में कोई किसी भी तरह की दिक्कत आए। फिर आते हैं ट्रेंट बोल्ट, जो कि बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज हैं और दोनों ओर गेंद को मूव कराते हैं, और ख़ासकर जो उनकी इन स्विंगर हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। और सचमुच अगर ये कहा जाए, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जसप्रीत बुमराह के सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उभर कर आए हैं, यानी उन्हें नंबर 1 पर आने से रोक सकते हैं, और जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी रही है, हालांकि एक नुकसान उनका ज़रूर उनके लिए मैं कहूँगा वो ये कि पिछले दिनों से काफ़ी समय से वो पिछले 2 वर्षों से एशियाई टीमों के खिलाफ ही खेल रहे हैं। अब उनके सामने अगर ऑस्ट्रेलिया आएगी, इंग्लैंड आएगी, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि एक उनका कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि अब वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि वो 3-4 साल पहले किया करते थे। उसके बाद नंबर आता है नील वैगनर का। जी हाँ, ये भी न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं, और उनके साथ भी यही ड्रॉबैक है सबसे बड़ा कि वो काफ़ी समय से एशियाई टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, और न्यूजीलैंड का वास्ता इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से अरसे से नहीं पड़ा है टेस्ट क्रिकेट में। और नील वैगनर के साथ प्लस पॉइंट यही है कि वो अपनी ऊर्जा बचा कर रखते हैं, क्योंकि ना वो वनडे खेल रहे हैं, ना वो T20 खेल रहे हैं, वो सिर्फ टेस्ट के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, और वो एक चुनौती ज़रूर खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो उनका परफॉर्मेंस जो है कमज़ोर टीमों के खिलाफ ज़्यादा अच्छा रहा है, और अब तगड़ी टीमें आएंगी तो सही मायने में उनका इम्तिहान होगा। और वहीं जसप्रीत बुमराह, जो कि इस वक्त 7वें नंबर पर चल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, और मैं समझता हूँ कि उनको कमिंस और बोल्ट, ये 2 मुख्य ऐसे गेंदबाज हैं इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, जो उनके लिए कड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। यदि इनको उन्होंने पार पा लिया और लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को बरकरार रखा, ऐसा बरकरार रखा जो कि उन्होंने 4 मैचों में, जो 11 में से 4 मैचों में जो उन्होंने 5 विकेट हॉल किया है अलग अलग टीमों के खिलाफ, वो भी विदेश में जाकर, इसी प्रदर्शन को उन्होंने बरकरार रखा, तो अगले 1-1.5 साल के अंदर मैं समझता हूँ जब एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल होगा, तब तक वो या उससे पहले ही उन्हें टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराइए। आपको क्या लगता है कि क्या बुमराह टेस्ट में नंबर 1 बनेंगे? यदि बनेंगे तो कितना वक्त लेंगे, और उनके लिए मुख्य चुनौती कौन सा गेंदबाज रख सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।